उल्टा लूँ ले लेता हूँ रे, आज पहुँचना पड़ेगा अपने को वरना ट्रैफिक में अटक जाएगी। देखना कितना ट्रैफिक है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एयरपोर्ट कहाँ से जाना है? हर खाली रास्ता भाई, एयरपोर्ट का रास्ता नहीं रहता ये समझ लो। कितना दिन लग जाता है ये बनाने को? तीन चार दिन लग जाता है। आज की सुबह में ना कुछ खास बात है, क्योंकि मैं रह रहा हूँ गुरु के घर पे और बहुत सारे रीजंस है, अगर प्रीवियस वीडियो देखी रहेगी तो पता रहेगा। तो मैं मेरे वीडियो की शुरुआत करता हूँ लैपटॉप स्टैंड से। मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे काम करता हूँ वर्क फ्रॉम होम। ये रहा अपना लैपटॉप स्टैंड, यहाँ पे ऐसे लगा दिया है, ये स्पाइक है, पूरे चार्जर लग जाते हैं मोबाइल का। ये देखो ये सब चार्जर ऐसा है, यहाँ पे पूरा बैठे रहता है, यहाँ पे ही वाईफाई मतलब अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है। तो यूट्यूब के वीडियो में एडिट करता हूँ या अपलोड करता हूँ ना, यहाँ पे ही बैठ के करता हूँ और वाईफाई अच्छा खासा फास्ट है, तो फटफट अपलोड भी हो जाता है। इसके लिए आप लोगों ने देखा रहेगा तीन चार दिन से अच्छे कंसिस्टेंट वीडियो आ रहे हैं। ये मेरी मासी है धवल, बताता ना उसकी मम्मी। हाय। तो हम लोग अभी थोड़े दिन के लिए साथ में रह रहे हैं, चार पाँच दिन से, गेट टुगेदर जैसा छोटा सा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिले ना। हाँ। एक साल दो साल के बाद मिले इसके लिए। ये है गुरु के घर का मंदिर, जो पूजा उसने कर ली है। तो ये बालाजी भगवान को देखो क्या अच्छी तरह सजाया, ये देखो वहाँ पे अब भी पूजा करके खड़ा हुआ है। गुरु को अभी छोड़ना है मंदिर में, छोड़ना बोले तो उसको ड्रॉप करना है, क्योंकि क्या रहता है घर से लेके मंदिर तक ना 10-12 काम और है, रिक्शा से जाते तो परवड़ता नहीं है। तो उसने बोला तू आएगा क्या ड्रॉप करने में? बोला हाँ आता हूँ। दूसरी चीज़, वहाँ से उसको अगर बारिश नहीं आई तो उसको वहाँ से मैं एयरपोर्ट भी ड्रॉप करने वाला हूँ, अगर बारिश आई तो वो ओला करके जाएगा, क्योंकि बारिश में मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैं खुद गिल्ला हो जाऊँगा, लगेज है वो भी गिल्ला हो जाएगा। दिन की शुरुआत हो चुकी है, गुरु के घर पर आए तो डोसा खाना बनता है, तो डोसा भी खा लिया है, ऑफिस का काम कर लूँगा, फिर बाद में बाहर निकलता हूँ और सीधा मोटो व्लॉगिंग करते हुए मिलता हूँ। जस्ट अभी हम लोग ने बैंक में काम करा लिया, बट गुरु को गुस्सा आया क्योंकि कैसे बताओ, उसका पुराना अकाउंट है और बहुत सारा काम करता है, तो उससे कुछ सवाल जवाब किए तो सामने वाले गुस्सा कर रहे हैं, बोलते इतना क्या क्या हुआ बातचीत तुम लोग नहीं है। चेक डालने के लिए पूछा, तभी बोलते ए, पीछे लिखना पड़ेगा, पूछा तो इतना तो मालूम नहीं है क्या, ऐसे ऐसे हो गए तो थोड़ा अकाउंट है तो मालूम है, थोड़ा पैसे है तो मालूम पड़ रहे, तो बहुत पैसा डालना है तो पूछना पड़ेगा ना 10 बार। बरोबर बोला ना, आजकल मेट्रो लाइफ में ऐसा है ना कि कुछ पूछा ना तो सब लोग को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सिग्नल पे भी तो ऐसा है, एक सेकंड रुकेगा तो हॉर्न मारेगा तुरंत, ऐसा होता है। और जैसे ही बाहर निकलो यार, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। एक्चुअली हम लोग ना कार लेके निकलने वाले थे एयरपोर्ट पे, हम लोग कार पार्किंग में रख देते और मैं गुरु को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ड्रॉप करता, बट बाद में बोला नहीं यार बाइक से जाते, पार्किंग का भी कोई मगजमारी नहीं और ऐसे भी बारिश नहीं आ रही, अगर साथ दिया ना तो एयरपोर्ट तक अपनी गाड़ी जाएगी। ये यू टर्न मार दिया, अभी आगे का काम करते हैं। अभी वॉच की दुकान में आया, गुरु बोलता है मुझे घड़ी लेनी है, मैं बोला ले ले भाई, बोलता था आगे लेते ना, मैं बोला अरे भाई आगे दुकान नहीं मिली तो क्या वापस आएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे खड़े रहे और अभी घड़ी ले रहे। वो ब्लैक डायल वाला दिखाओ ना, ऊपर वाला दिखाओ ना, ब्लैक नहीं नहीं आप एग्जिट उसके नीचे वाला, एग्जिट उसके नीचे, हाँ देखते रहे हाथ पे, अपने को ये वाला पसंद है आप उन ले लेते भाई। ये प्राइस है घड़ी का 2995। हाँ अच्छा लग रहा है, शाइन भी कर रहा है ना, वारंटी कार्ड वो सब दे देना। बारिश का नाम लिया और बारिश सामने, वहाँ पे बाइक लगाई और फटफट यहाँ पे भाग के आए, वरना गिल्ले हो जाएगी। अच्छी खासी जगह, 50 दिन खड़े रह सकते, बट ऊपर उसने वो बनाया नहीं, बोलना पड़ेगा भाई बना ले, हमारे लिए फ़ायदा रहेगा, कभी बारिश आई तो भाग के आने को होता है ना। वो देख गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर, अभी झगड़ा चलेगा वहाँ पे। वही तो बात है, मुंबई में सब झगड़े ही करते रहते हैं, मुंबई का दूसरा नाम झगड़ा। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए, अभी देखते कितना टाइम लगता है, 15-20 मिनट तो हो गई, अभी आगे देखो और कितना टाइम लगता है। और अपना कैमरा भी अंदर रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा, ख़राब हो जाएगा मोटो व्लॉग करते हुए। यार ये दिक्कत होती है यार व्लॉगिंग करते वक्त, खतरनाक बारिश होने की वजह से वहाँ पे मैं मोटो व्लॉग नहीं कर पाया, बट हम लोग गुरु का जो मेन ऑफिस है वहाँ पे आ चुके हैं। इसको तो पहचान दे रहे, ये लव कुश मेरे गोरे वाले व्लॉग में आता। गुरु अपना रेडी हो चुका है एयरपोर्ट पे जाने के लिए, उसका ये बैग है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अभी बजे है एग्जैक्टली, यहाँ पे दिखाता हूँ, हाँ 1:50, 4 बजे की फ़्लाइट है, मतलब 2 घंटे पहले पहुँचना चाहे तो अप्रोक्स 2 बजे पहुँचना चाहता, बट हम लोग लेट हो चुके हैं तो 2:30 बजे तक पहुँचेंगे, तो अभी भगानी पड़ेगी अपनी बाइक। चलो भाई, पुलिस वाले बोल रहे हैं चलो चलो, तो चलो, भले सिग्नल लगा है, पुलिस वाले ने बोल दिया तो जाना पड़ेगा। ऐसे भी मैंने बोला आज अपने को जल्दी पहुंचना है एयरपोर्ट, यार पहुंचाना पड़ेगा ना टाइम पे, वरना एयरपोर्ट से जो जाने गए वो खर्चा तो सर पे आएगा,
दूसरी चीज़ वहाँ पे जो कमाने गया था वो भी नहीं कमाने मिलेगा, तो क्या मतलब है। तो अपन फटफट चल पड़े हैं अंधेरे के रास्ते पे, धड़धड़ धड़धड़ धड़धड़, ट्रैफिक ना मिले बस हो गया, और वन वे ना मिले बस, ये दो चीज़ नहीं मिलेगी ना तो पहुँच जाएगी टाइम पे। और अपनी बाइक है, मतलब यार मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपर मतलब ऊपर के साइड नहीं जा सकता, नीचे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से गुरु लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो लोग बाइक वाले लोग को बोलते नहीं नीचे जाने का, रिक्शा वाले लोग को नीचे जाने का, खाली बस कार और ओला उबर वाले लोग खाली ऊपर जा सकते हैं। वैसा है, ये आ गया अंधेरी सबवे, हम लोग ने टर्न मारते हुए, ए भाई बीच में एक आइको है, रे बाबा चलो ना चलो ना। यहाँ पे 26 जुलाई के दिन है ना, ख़तरनाक पानी थी यहाँ पे, पानी इतना भर जाता है कि ऊपर जो रेलवे ट्रैक है ना वहाँ तक पानी दिखाई देता है, ऊपर मतलब टच हो जाता है। अरे भाई अभी तो तेरे को टर्न भी नहीं लेने दूंगा, मैं खुद जाऊँगा। अरे भाई उल्टा लूँ क्या, वो देख वहाँ पे ट्रैफिक है, उल्टा लूँ ले लेता हूँ। अरे आज पहुँचना पड़ेगा अपने को, वरना ट्रैफिक में अटक जाएगी, देख ना कितना ट्रैफिक है। ये देख हाँ वहाँ से घुसा दूंगा मैं अंदर, ए बीच में मत आ। अरे भाई चलना चलना, ए भाई हट रे बाबा साइड, चल 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 चल, रुक रे ठीक ना, एक्टिवा वाला घुस रहा है कहीं और देख रहा है, और गाड़ी किधर और चला रहा, देखा कितना ट्रैफिक निकल गया, वरना 5-10 मिनट खड़े रहना पड़ता। अंधेरी फ्लाई ओवर के वहाँ तो पहुँच गया, अभी क्रॉस करने के बाद सिगरेट फैक्ट्री वाले एरिया से निकलना है और एयरपोर्ट की तरफ जाना है, क्योंकि हम लोग, अरे यार गोप्रो चुस्पा कर रहा है क्या, जैसे मैंने बताया कि नीचे से जाना है ऊपर से नहीं, क्योंकि ऊपर से सिर्फ कार जाती है, नीचे से जाएगी तो अपने को बाइक वाले को जाने मिलेगा, और पता नहीं आज गोप्रो है ना चुस्पा कर रहा है, मतलब मैं बार बार बंद चालू कर रहा हूँ, तो बंद चालू हो रहा था, ऐसे देखना पड़ रहा है यहाँ पे चालू है या नहीं है। अरे यार बहुत बड़ा सिग्नल लग गया ये, मिनिमम नहीं नहीं करके भी 5 मिनट का सिग्नल लग गया, अभी 2:15 हुई है, जल्दी पहुँचना है भाई चलो। वो देख वो देख वो देख कैसा घुस रहा है, हाँ अच्छा हुआ बारिश नहीं है, पहले मिल गया अच्छा हुआ, अभी मिलता था ना तो बहुत तकलीफ होता था, और अच्छा हुआ बाइक लेके आए, कार लेके आते तो इतना जल्दी जल्दी निकाल भी नहीं पाते, ट्रैफिक में अटकना पड़ता। लाफ 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 भाई, लाफ जाने का भाई, लाफ 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 लाफ। ये जो फ्लाई ओवर देख रहे हो, इधर से कार जाती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, अभी हम लोग फ्लाई ओवर के नीचे से जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया अपनी स्कूटर ऊपर नहीं जाएगी, वो लोग के कोई रूल है कि भाई स्कूटर वाले लोग और रिक्शा वाले लोग यहाँ नीचे से जाने का और कार वाले लोग ऊपर से जाने का, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। एक्चुअली ऐसा रहेगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता बहुत अच्छा है ना, तो स्कूटर वाले लोग जाएंगे ना तो रेसिंग करेंगे, इसके लिए ना बोलते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। एयरपोर्ट पे इतनी ट्रैफिक, बाप रे इतना भगा भगा के आया, अभी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, यहाँ से शॉर्टकट मारने का तरीका भी नहीं है कुछ। अरे यार किस बात की ट्रैफिक, वॉर चल रहा है धीरू भाई रिलायंस और अपना अदानी के बीच में वॉर चल रहा है। हाँ। स्टॉक मार्केट में मैं हूँ ना तो बातचीत होती है ना तो पता चलता है। क्या भाई ये एयरपोर्ट है या क्या है, इतनी भीड़। ये बंद कर देना चाहिए, प्राइवेट गाड़ियाँ खाली आनी चाहिए। देख ना BST भी घुस रही है, टेम्पो भी घुस रहा है, क्या यार। क्या पूछते हैं पूछते हैं, ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब एयरपोर्ट कहाँ से जाना है, एयरपोर्ट एयरपोर्ट, ये आप गलत कर रहे हैं, ये सर वो टर्न से जाने का, ओ सॉरी रुक जा टर्न मार लेते। अरे मेरे को लगा वहाँ पे BST इतनी सारी है तो मैं बोला वहाँ पे जाए, लोकल लोग जाते रहेंगे, ये प्राइवेट रास्ता है ना खाली है, तो ओपन हो गया अपना यार, हर खाली रास्ता भाई एयरपोर्ट का रास्ता नहीं रहता ये समझ लो, BST वाले जहाँ पे जाते वो भी एयरपोर्ट का रास्ता होता है। मेट्रो आ रहा है कहाँ पे, दिल्ली की तरह करते रहिए सीधा एयरपोर्ट पे मेट्रो, चलो अच्छी बात है कुछ तरक्की तो हो रही है, सही है सही है। ये बताएगा कि नहीं बताएगा भाई, एयरपोर्ट पे जाना कैसे जाओ, ये वाला रास्ता बस स्टॉप से ऐसा बोल रहा है या ऐसा वहाँ पे जाके पूछते, समझ में नहीं आया मेरे को एग्जैक्टली वो क्या बोला। अरे वो यहाँ से तू चले जा लिफ्ट पकड़ के ऊपर ले, ये पार्किंग ही है ना टर्मिनल का, चले यहाँ पे छोड़ दूँ,
अरे इधर ऐसे जाऊंगा ना मैं, वो इधर कहाँ घुसेगा, मैं इधर से निकल जाऊंगा। ये ले भाई, तुमको पहुंचा दिया, देख 2:30 से पहले पहुंचा दिया, 3 मिनट में अंदर पहुंच जाते जल्दी। थैंक यू। चल जा, संभल के जा, बाय बाय, कॉल करते रहे, चल ठीक है, संभल के जा। हाँ चल बाय, हाँ हाँ बाय। चलो भाई टाइम पे पहुंचा दिया, वही बड़ी बात है, वरना बोलते ना लेट हो जाते तो मेरे को मालूम है हालत क्या होती है, कि यहाँ अंदर एंट्री नहीं मिलती। मैं अंदर ही में आया तो मैंने सोचा यार मैकेनिक वाले लोग को पूछ लेता हूँ, जो मुझे मोबाइल होल्डर लगाया और रॉड वाला वैसा चाहे तो पहले वहाँ पे गया था, तो उसने बोला भाई एग्जिट अपोजिट साइड चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी ढूंढने आया हूँ, देखते 2-3 जन से बात करके देखते कि क्या बोलते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे सब लोग मोबाइल होल्डर लगाते, मुझे यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है। कोई रॉड बना ऐसा कुछ बनाने वाला कोई है क्या मैकेनिक यहाँ पे? ये अपनी स्कूटर है उसमें मोबाइल होल्डर लगाते ना, तो ऐसा ये रॉड बिठाने का। खाना खाने के कितना टाइम लगेगा? ठीक है रुका हूँ मैं, मुझे बुलाना। ये जो सीट है ना, ये अंकल से पूछते कितने में बना के देंगे, अंकल नहीं इससे पूछते। ऐसी सीट बनाने का कितना लेगा पैसा, कितने का बनता है? 8,000 रुपया। और एयर कुशन वाला बनाना रहता है सीट तो पूरा? एयर कुशन वाला मतलब कैसा है कि लॉन्ग राइड पे जाते 300, 400, 600 किलोमीटर, तो एक टाइम के बैठने के बाद कैसा जलता है ना, तो मतलब एकदम जेल वाला बनता है ना एकदम। हाँ पहले तो देखो मेरे को ये जानना है कि ऐसी सीट बनाते तो कंफर्ट होता है क्या पीछे, मतलब पीछे वाले ये कंफर्ट ही देते हैं, 400 क्या उसमें तुम सिर्फ फास्ट हो भी जाओगे तो भी मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा उसमें जेल की जरूरत नहीं रहती, जेल की जरूरत पतली सीट में रहती है। अच्छा तो मतलब लगे नहीं पीछे, बराबर ये सब कुशन वाली सीट रहती है, जेल की जरूरत नहीं। इसमें ऑलरेडी अच्छा खासा बना के दिया रहता है। ओके अच्छा, कितना दिन लग जाता है ये बनाने को? ये बनाने में 3 दिन लग जाते, 3-4 दिन लग जाता है। चलो तो ये सीट देख रहे हो, ये सीट मैं बिठाने की सोच रहा था अपनी गाड़ी में, तो प्राइस भी पता चला, बट जैसे उन्होंने बताया कि बारिश के बाद बनाओगे तो अच्छा रहेगा, बारिश में तो खराब हो जाती है सीट, तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। मेरे को चाहिए वो बंदे से काम नहीं है, मेरे को मेरा काम से मतलब है, ये मेरे को ऐसा रॉड गेज बनाने का बनेगा क्या? नहीं बनता क्या यार, अपने इंडिया में हुनर ही नहीं है काम करने का किसी के पास। मोबाइल का होल्डर है क्या बोबो का? बोबो नहीं, गब क्या बोले? गब का है, गब दिखाओ ना, और कितने का है वो भी दिखाओ। एल्युमिनियम वाला अपना चार्जिंग वाला, चार्जिंग वाला देखोगे तो ज़्यादा अच्छा। ये समझा नहीं कैसे करते ये मिरर माउंट, मिरर वाला मिरर पे, और ये हैंडल माउंट। अच्छा ये हैंडल पे लगेगा ना? हाँ मतलब जो रॉड रहेगा उस पर, या ऐसा रॉड रहेगा, ये मिरर माउंट है। हाँ जो साइड अपना मिरर रहता है। ओके मेरे को रॉड वाला बिठाने का है, तो मेरी स्कूटर है उस पर रॉड बिठेगा क्या? वो भी देखो ना। हाँ बुला बात करवा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि कैसे होता है नहीं होता है, कितना पैसा लगेगा क्या है। गाड़ी लाए क्या सर? सामने ही है देखो ना, आपका गाड़ी आया है? वो देखो वो स्कूटर है ना, वही है मेरी। अभी बजे 4:30, जैसे आप लोगों को पता रहेगा कि गुरु को मैंने एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया था 2:25 पे, नहीं सॉरी 23 मिनट था। तो उसके बाद जैसे मैं अंधेरी से पवई गया था, पवई से अंधेरी आया और सोचा अपना यार बाइक का जो काम कराना है वो सबके बारे में इंक्वायरी करता हूँ, तो यार इंक्वायरी करते करते इतना टाइम लग गया सोचो। और सच बोलूँ तो इंडिया में यार मॉडिफिकेशन कोई जल्दी नहीं करता, फिर भी मैं कहीं कहीं से ढूंढता हूँ और काम करवा लेता हूँ। तो अभी तो फिलहाल वापस अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और खाना पीना खा लेता हूँ, यार बहुत कड़क प्यास लगी है। तो घर पर जाने के बाद दो हालत होती है, पानी पीऊँ या खाना खाऊँ, और मैं पानी की बॉटल लाना भूल गया था क्योंकि भागम दौड़ी सुबह से चालू थी इसके लिए। तो सोचो और ऑफिस का काम भी करना है, कितना कुछ करना रहता है यार क्या बताओ। बोलते ना कोई एक ही चीज़ होती है, या व्लॉगिंग होती है या जॉब होता है, बट मैं 3 चीज़ करता हूँ, व्लॉगिंग जॉब और एक पढ़ाई भी कर रहा हूँ। पढ़ाई वक्त आने पे बताऊँगा कि क्या कर रहा हूँ, पहले से बता के मतलब नहीं है। तो ये जब सक्सेस हो जाते और बता देना कि भाई मैंने ये पढ़ाई की थी, तो सोचो क्या मज़ा आ जाएगी, बोले यार क्या छुपा रुस्तम निकला, ये पढ़ाई कर रहा था और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। तो वैसी चीज़ है, तो यार प्लीज़ सपोर्ट करना यार मेरे यूट्यूब चैनल को, मेहनत करने का काम मैं करता हूँ, बट मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में कुछ भी जो भी आपके मन में आता है वीडियो देखने के बाद वो लिखा करो, तो बोलते ना मोटिवेट होते। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी करो और कमेंट में बताओ क्या नहीं अच्छा लगा, तो क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि बिना बताए मुझे तो पता नहीं चलेगा ना कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, इसलिए प्लीज़ बताया करो।
बाकी तो देखो मैंने गैजेट्स पे इतना अच्छा खासा खर्चा किया है कि वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, गोप्रो लिया हुआ है, वरना एज अ बिगिनर कौन लेता है गोप्रो, सब छोटे मोटे कैमरा लेते हैं 5-10 हज़ार वाले। मैंने DSLR लिया हुआ है, अच्छा खासा माइक लिया हुआ है, ड्रोन है अपने पास, फिर वो सब गैजेट्स रखने के लिए अच्छी खासी बड़ी सी बैग है वाटरप्रूफ वाली, नहीं नहीं करके भी जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी आई कार्ड या एंड बटन में रख दूंगा तो पता चले आपको मैं यूट्यूबर बनूं, इसके लिए मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यार, तो पैसा निकलना तो चाहिए यूट्यूब के थ्रू। सर्विस रोड पे मैं वापस आ गया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक है यार, कंटल आ गया गाड़ी चलाने को, मैं सोचा था भगा हुआ बट नहीं भगा पाता क्योंकि 4:30 बज गए, फिर भी यार मुंबई में ट्रैफिक देखो तो अभी सर्विस रोड पे ऐसे आया हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर 2-व्हीलर, तो यहाँ पे मैं घुस चुका हूँ और वहाँ पे देखो 4-व्हीलर है और भाई वो हाईवे तो भूल ही जाओ, नहीं जाने का वहाँ से। अभी गली गुच्छी से निकल हुआ, अच्छा मैं मुंबई में बहुत सालों से रहता हूँ तो मेरे को छोटे मोटे रास्ते पता है, शॉर्टकट वाले बोलो या गली गुच्छी वाले, वहाँ से मैं कट मार मार के घर पे पहुँचूंगा और क्या करूँ यार।